नगर परिषद सुंदरनगर के वार्ड नंबर 4 के न्यू डडियाल और ओल्ड डडियाल में पिछले 2-3 महीनों से चोरों के हौसले इस कदर बुलंद हैं कि चोरों ने एक के बाद एक कई चोरी की छोटी बड़ी वारदातों को अंजाम देते हुए क्षेत्र में बड़ी दहशत बनाई हुई है। मामले को लेकर वार्ड के पार्षद शिव सिंह सेन ने पुलिस प्रशासन से क्षेत्र में पुलिस की सख्त गश्त बढ़ाते हुए चोरों की धरपकड़ करते हुए क्षेत्रवासियों को राहत प्रदान करने की मांग उठाई है। गत सप्ताह भी यहां पर एक के बाद एक कई छोटी बड़ी चोरियों को चोरों ने अंजाम दिया है। ताजा मामले में मंगलवार रात चोर सामुदायिक भवन के लोहे के गेट को ले जाने वाले थे कि इस दौरान कोई उठ गया और चोर गेट की चोरी को अंजाम नहीं दे पाए। नमस्कार जी, मैं शिव सिंह सैन पार्षद नगर परिषद सुंदरनगर वार्ड नंबर 4 से हूँ। मेरे वार्ड का क्षेत्र का न्यू डडियाल और ओल्ड डडियाल में पिछले कई दिनों से चोरी की वारदात आए दिन बढ़ती जा रही है। पिछले महीने भी यहाँ सुजार जी हैं, उनके नकदी चोरी कर गए चोर, वो किसी कारण से बाहर थे। उसके बाद यहाँ निर्माणाधीन मकान जो है उसकी प्लेटें वहाँ से उठा के ले गए। दो बार आए थे चोर, एक दिन पकड़ा भी था, पुलिस वाले भी आए थे। उसके बाद जगदीशपुरी जी जो इसी मोहल्ले में रहते हैं, इनके मकान छत से चोर आए और सिलाई मशीन उठा के ले गए। बाकी इनके मकान कमरे जो थे उनको बाहर से कुंडा लगा के चले गए। इसी प्रकार ये सामुदायिक भवन है हमारा, पिछली रात इसका छोटे वाला गेट जो था उसकी बेल्डिंग तोड़ के उसको ले जाने की कोशिश कर रहे थे। शायद कोई आदमी आ गया होना, उसकी वजह से वो चोरी होने से बच गया। प्रशासन से मेरा अनुरोध है, विशेषतर पुलिस विभाग से, कि यहाँ गश्त बढ़ाई जाए ताकि ऐसे चोर उचक्कों से हमें निजात मिले, यही मेरा कहना है। धन्यवाद। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए सुंदरनगर से गगन शर्मा की रिपोर्ट। दिव्य हिमाचल प्रेजेंट्स हिमाचल की आवाज सीजन 9 ब्रॉट यू बाय अनी यूनिवर्सिटी। हिमाचल की आवाज के सेमीफाइनल होने जा रहे हैं 20 और 21 सितंबर को रेनबो इंटरनेशनल स्कूल नगरोटा बगवा में। सेमीफाइनल्स में चुने जाएंगे जूनियर और सीनियर कैटेगरी से फाइनलिस्ट। जिन लोगों ने अब तक ऑडिशन नहीं दिया है उन्हें मिल रहा है यहाँ पर गोल्डन ऑडिशन देने का मौका। 20 सितंबर को सोलन, शिमला, हमीरपुर और मंडी और जिन लोगों ने ऑनलाइन ऑडिशन दिए थे वो पार्टिसिपेंट्स करेंगे परफॉर्म। वहीं 21 सितंबर को धर्मशाला, पालमपुर, बिलासपुर, ऊना और इंदौर के पार्टिसिपेंट्स दिखाएंगे अपनी प्रतिभा का जलवा। अधिक जानकारी के लिए पढ़ते रहें दिव्य हिमाचल न्यूज़पेपर और फेसबुक पर लाइक करें हिमाचल की आवाज़ का पेज।